रिक्की बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दो दिवसीय बैठक का समापन हुआ। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील की थी और कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बारे में न्यायालय में जल्द ही सुनवाई की जाए और 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा के दौरान बाबरी विध्वंस की जो घटना घटी थी उसकी पुनरावृत्ति फिर से एक बार जाँच हो। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार वीर ने समापन में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संतों को पूर्ण विश्वास है। अभी आज और कल पूज्य संतों का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का अभी यह बैठक चल रहा है। इसमें नई केंद्र सरकार आने के बाद वाली यह पहली बैठक है। तो केंद्रीय सरकार ने पिछले अपने टर्म में 2-3 विषयों का प्रारंभ किया था काम का। एक तो गंगा के शुद्धिकरण का, गाय के बारे में कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाकर उसके कार्य का, और साथ ही में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के बारे में कुछ कार्य प्रारंभ किया था। तो पूज्य संत ऐसा सोच रहे हैं कि इसके बारे में केंद्र सरकार ने यह काम आगे भी इस नए टर्म में बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में कुछ विचार वो करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार भी पिछले कुछ सालों की तरह बड़े और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में केशून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तहसील स्तर पर कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसे आयुष विभाग द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत योग करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में योग करेंगे। सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों को योग दिवस पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारियों के तहत देहरादून के पवेलियन मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए पवेलियन मैदान में सभी तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में योग करेंगे और साथ ही उनके साथ हरक सिंह रावत भी योग करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम को नशे हथियारों के सप्लायर के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्मैक और हथियार बेचने वाले को पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से लगभग 11 ग्राम स्मैक और 315 बोर के 3 तमंचे और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया आरोपी पहले भी लालकुआ थाने में एक अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। नानकमता पुलिस ने पकड़े गए आरोपी कमलजीत को एनडीपीएस की धारा और अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि नशे और अवैध हथियार के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।